नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सबसे नायाब अगर कुछ दुनिया में इतना आवश्यक है किसी के लिए भी, वह है एहसास। विराम। चाहे व्यक्ति भावों से भरा हो या अभावों से, प्यार से भरा हो या नफरत से, साहस से भरा हो या भय से, सभी अवस्थाओं में उभर कर जो रस मन वचन में आता है, वह है एहसास। विराम। यह उतना ही आवश्यक है जितना प्राणी का इस संसार में होना। विराम। इसीलिए प्रकृति ने इसे खूब भर भर कर हम लोगों के अंदर उड़ेला है। विराम। ऐसे ही नहीं, हम लोग रिश्तों को निभा रहे हैं जिन्हें वास्तव में बनाए रखना बेहद कठिन प्रक्रिया है। इसका एकमात्र कारण है एहसासों का उमड़ना। चाहे वह अपनेपन के रूप में दिखे या असहाय की सहायता के रूप में या किसी की चाहत में उसे पाने के रूप में। विराम। आलस में असहास के मायने की खोज तभी हो सकती है जब यह अनुपस्थित हो जाए। जैसे आंखें देखें तो सब कुछ, पर पता ही न हो कि कहां उनको रुकना था। मिले तो हम सभी से, पर पता ही न हो कि कोई खास भी था उसके लिए। इसी प्रकार जिंदगी तो जी लिए किसी के साथ, पर पता ही न चले कि क्या जिया गया। विराम। अगर एहसास ने हो तो फिर क्या होगा। बीच में जोड़ने के लिए शायद ज़रूरत या अधिकतम लाभ जो मिलाएगा एक दूसरे को, फिर तुरंत जुदा भी कर देगा। इस तरह तो सिर्फ बचेगी तो एक की गर्दन और दूसरे की तलवार, और फिर अंत में तो बचेगी तो केवल तलवार, जिससे हम सिर्फ कुछ काट ही सकते हैं, कुछ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जोड़ने वाला तत्व था एहसास। विराम। इसलिए एहसास होने से तलवार की ज़रूरत है और न ही किसी की गर्दन की। विराम। पैरा। एहसास क्यों होता है? क्या सभी को देखकर होता है? कैसे होता है कि एहसास के चलते हम भावनाओं की गिरफ्त में आ जाते हैं? इस तरह के प्रश्न उभरते हैं। अब क्यों का जवाब तो शायद ही मिले, क्योंकि जवाब होता तो एहसास को रोका भी जा सकता था, पर यह तो होकर ही रहता है। यह अलग बात है कि इसे कुछ समय के लिए छिपा जरूर लें, पर होता तो है ही। विराम। इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि यह सभी के लिए ही हो, क्योंकि यह होगा तभी जब मन में हलचल होगी। हो सकता है कि मन का लगना न शुरू हो जाए,
अब भावनाएं इस तरह से उमड़ रही हों। हो सकता है कि सब कुछ गिरफ्त में आ रहा हो, क्योंकि हम किसी के साथ रहना या जुड़ना चाह रहे होते हैं। विराम। इसी प्रकार हम रिश्तों को देख सकते हैं जो पूरी तरह से एहसास के कारण जुड़े होते हैं। हो सकता है कि मजबूरी भी इसका सबब हो, पर मजबूरी के कारण हम साथ हैं तो फिर वह संबंध कहाँ हुआ। विराम। इसलिए एहसासों को दबाने या छिपाने से बचना चाहिए। विराम। क्योंकि यह अनमोल रत्न जाहिर करने के लिए बना है। वैसे भी प्यार या रिश्ते छिपाए या दबाए नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जीवन में इनका होना अति महत्वपूर्ण है। विराम। नहीं तो फिर जग इसी प्रकार घूमता रहेगा और हम भी साथ में घूमते रहेंगे। विराम। पर मिलेंगे कभी नहीं। पैरा। इन दिनों मौसम में पतझड़ के चलते पेड़ों से पत्ते टूटकर बिखर रहे हैं, मगर साथ ही अहमदाबाद के नए नवेले नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में विकेटों का गिरना देखने को मिला। विराम। गनीमत थी कि भारतीय टीम इस पतझड़ में अपेक्षाकृत कहीं अधिक मजबूती से खड़ी रही और दो दिनों से कम चलने वाले टेस्ट मैच में एक और सफलता अपनी झोली में डालने में कामयाब रही। विराम। इस मैच में अश्विन के साथ अक्षर पटेल की कामयाबी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। विराम। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा विरले होता है जब एक ही दिन में 17 विकेटों गिरे और दूसरे ही दिन फैसला आ जाए। विराम। यहाँ पिच की आलोचना की जा सकती है, मगर यह कहकर भारत अपना बचाव कर सकता है कि कोई भी देश अपने खिलाड़ियों खासकर गेंदबाजों के अनुरूप पिच बनाने से गुरेज नहीं करता है, मगर टेस्ट क्रिकेट की अपनी अहमियत गंभीरता और उसके स्वरूप को देखते हुए ऐसे पिच बनाने चाहिए जहां खेल 4 से 5 दिन तक चल सके। विराम। जो हो, यह संतोष करने का कारण जरूर हो सकता है कि गुलाबी गेंद वाले दिन रात के इस मैच में दर्शकों को 2 रात से ज़्यादा स्टेडियम में रुकना नहीं पड़ा। विराम। वैसे दाद भी देनी होगी भारतीय स्पिनरों की, जिनके हाथों में जाकर गुलाबी गेंद ने इंग्लिश टीम पर कहर बरपा दिया। पैरा। एक खबर के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की पहल पर कोविड टीके की पहली खेप अफ्रीकी देश घाना पहुंच गया। विराम। शायद बिना इस पहल के 130 के करीब तीसरे विश्व के अविकसित देशों को यह टीका मिल पाना मुश्किल होता। कुछ
यूरोपीय देशों और लैटिन अमेरिका में टीके की कमी के कारण टीकाकरण के काम में रुकावट आ गया है, लेकिन जिन देशों के पास यह उपलब्ध है उनमें से अनेक देशों में लोगों में इसके प्रति संकोच और झिझक देखने को मिल रहा है। विराम।